अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए तवा पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ कि किस तरह से आप बहुत थोड़े से ऑयल के साथ क्रिस्पी क्रंची पकौड़े बना सकते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करना है और मेरे वीडियो को स्किप नहीं करना है, तभी आप जान सकेंगे कि किस तरह से कम ऑयल में आप भी बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी क्रंची पकौड़े बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बेसन ले रही हूँ। बेसन मैंने तकरीबन 1 कप लिया है, आपको जितनी भी ज़रूरत है आप उतना बेसन लेंगे। सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स लिए 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी लिए 1/2 टीस्पून, अजवाइन लिए जस्ट 1 पिंच, कुटा धनिया लिया है 1/2 टीस्पून। बस सारी चीज़ों को मिक्स करना है और इसमें मैंने सोडा ऐड नहीं किया। सोडा ऐड करने से पकौड़े बहुत ज़्यादा ऑयल जब्स करते हैं, तो इसलिए आप भी सोडा ऐड नहीं करिएगा इसमें। बस पानी से इसका बैटर बनाना है और थिक बैटर बनाएंगे, ज़्यादा रनी बैटर आपने नहीं बनाना है। कढ़ाई में बना रहे हो या आप तवे में बनाएं, क्योंकि सोडा बहुत ज़्यादा ऑयल जब्स करता है, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप ना ही उसे ऐड करें। तो मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला क्योंकि मुझे बेसन का कलर बहुत लाइट लग रहा था, तो थोड़ा सा कलर या आप हल्दी ऐड कर लें तो इससे ज़रा पकौड़ों का कलर बहुत अच्छा सा हो जाता है येलो। बैटर हमारा हो गया है रेडी और ये रिबिन कंसिस्टेंसी में रखा है इसको मैंने। अब जिस चीज़ के भी आपने पकोड़े बनाने हैं वो रेडी कर लें। तो मैंने आलू, प्याज और पालक, इन तीन चीज़ों के पकोड़े बनाने हैं और ये सारे पकोड़े मैं आपको तवे पर ही बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से ज़बरदस्त ये पकोड़े हमारे कम से कम ऑयल में बन सकते हैं। तो बस मैंने 2 सर्विंग स्पून लिए हैं ये ऑयल के। अगर आप इसे कप में मेजर करेंगे तो ये 1/4 कप से भी थोड़ा कम होगा ऑयल, जस्ट 4 टेबल स्पून के करीब तक ही होगा। और यहाँ से आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आपको यकीन आएगा कि किस तरह से हम कम ऑयल में बहुत ज़बरदस्त से पकोड़े बना सकते हैं। तो आप वीडियो को देखते रहें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने कम ऑयल में मैंने ये ज़बरदस्त से पकोड़े फ्राई किए हैं और परफेक्ट कुक हुए हैं, परफेक्ट इनका कलर आया है और कोई देख के पहचान नहीं सकता कि आपने इनको डीप फ्राई किया है या तवे पर इस तरह से कम ऑयल में बनाया है। तो नीचे से इसका थोड़ा सा कलर आ गया था तो मैंने इसे पलट लिया है। अगर आपके पास भी नॉन स्टिक का तवा है तो बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें जो पकौड़े हैं या कोई भी चीज़ हम बना रहे हो तो वो चिपकती नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप इस तरह का तवा इस्तेमाल कर लें, बहुत ज़बरदस्त रहता है। अगर कोई भी चीज़ आपको कम ऑयल में बनानी है तो बेस्ट रहता है नॉन स्टिक का पैन। तो मेरे तो पकौड़ों का दोनों तरफ से कलर अच्छा सा आ गया है और मैं आपको चेक करवा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है दोनों तरफ से, अच्छी तरह से कुक हुआ है। और जिस तरह से कढ़ाई में हम पकौड़े बनाते हैं तो वो फूल से जाते हैं आलू के पकौड़े, तो ये भी फूले हैं माशाल्लाह से, अच्छे लग रहे हैं, ज़बरदस्त बने हैं। तो ये सारे मैं निकाल के साइड में करते जा रही हूँ ताकि इसका जितना भी थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा ऑयल इसमें गया है तो वो भी निकल जाए। और आँच मैंने हल्की रखी है, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं रखी है, और जो बचा हुआ ऑयल है इसमें अब मैं पालक के पकौड़े बना रही हूँ। तो बिलीव मी, पालक के पकौड़े तो इससे भी कम ऑयल में बने थे और इतने क्रिस्पी और क्रंची थे ये, जैसे बिल्कुल हम लोग पापड़ वगैरह बनाते बिल्कुल इस तरह से ये बने थे। और इतने ही कम ऑयल में मैंने इनको बनाया था सिंपल। अगर आपके पास तवा सीधा है तो बेस्ट रहेगा, ज़्यादा पकौड़े भी आ जाएंगे, लेकिन मेरे तवे में थोड़ा सा अंदर से गहरा है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें डाला था और कम मैं पकौड़े बना रही हूँ। वरना इसमें हम ज़्यादा भी पकौड़े डाल सकते हैं, अगर तवा आपका सीधा है तो उसमें सब तरफ ऑयल हो जाएगा, लेकिन इसमें ऑयल जो है सारा सेंटर में आ जाता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ सेंटर में ही पकौड़े डाल के फ्राई किए थे। तो आप सीधा तवा लेंगे तो सब तरफ पकौड़े डाल सकते हैं, एक दफ़ा में ही आप काफ़ी सारे पकौड़े रेडी हो जाएंगे। तो पकौड़े मेरे ये पालक के रेडी हो गए हैं और मैं ये भी आपको चेक करवा दूँ कि कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी ये बने हैं, बिल्कुल परफेक्ट इसका कलर आया है। और इतने पकौड़े फ्राई करने के बाद भी हमारा तवे में काफ़ी ऑयल बचा हुआ है कि इसमें हम बाकी के पकौड़े भी बना सकते हैं। प्याज के पकौड़े बनाने का भी मैं आपको बता दूँ कि आपको लग रहा होगा कि प्याज के पकौड़े जो होते हैं थोड़े से ज़रा मोटे होते हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल परफेक्ट बने थे, अंदर तक ये कुक हुए हुए थे और बहुत अच्छा इनका जो हम प्याज लच्छे वाले पकौड़े कहते हैं ना, वो बिल्कुल वैसे ही बने थे। तो अगर आप भी कम से कम ऑयल में पकौड़े बनाना चाहते हैं तो ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। तो नीचे से इसका कलर आ गया था तो मैं इनको पलट रही थी, करीब करीब डालने की वजह से थोड़े से ये ज़रा जुड़ गए थे। अगर आप दूर दूर डालेंगे तो फिर इनका जुड़ने का भी कोई मसला नहीं रहेगा। तो मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि इसका नीचे से कलर कैसा आया है, फिर इसके बाद ऊपर की साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। कोई आपको इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बगैर कवर किए ये ज़बरदस्त से फ्राई हो गए थे, अच्छा सा क्रंच इसमें है, क्रिस्पी है काफ़ी माशाल्लाह से।
सारे पकौड़े बहुत अच्छे बने थे। आप लोग ज़रूर ज़रूर ट्राई किया करें अगर इस तरह की रेसिपीज़ आपको चाहिए कि कम से कम ऑयल में, कम से कम खर्च में आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर आपको ज़रूर मिलेंगी। तो प्याज के पकौड़े भी मेरे रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने परफेक्ट कुक हुए हैं ये, और बहुत थोड़े ऑयल में, इससे ज़्यादा ऑयल इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा। कम से कम ऑयल में आराम से बेहतरीन पकौड़े बना सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, रेसिपी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरा तवा पकौड़ा रेडी तो हो गया है रेडी, आप भी बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।